गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सुदेव एंड विशाखा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कोलवा आए हैं। कोलवा बीच जाना माना सा बीच में से एक बीच है गोवा का, साउथ गोवा का, जो कि है कोलवा बीच। कुछ साल पहले तक कोलवा बीच एकदम खाली रहता था, सुनसान रहता था, बहुत कम टूरिस्ट आते थे। लेकिन अभी जितना दिन आगे जा रहा है कोलवा पे, उतना ही टूरिस्ट का पॉपुलेशन ज्यादा होते जा रहा है। तो आज हम लोग शाम का टाइम आए हैं, पीछे ढलता हुआ सूरज, सनसेट भी आपको दिखाएंगे कोलवा बीच में। कोलवा बीच का पूरा नज़ारा दिखाएंगे आपको, और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ क्या रेट्स वगैरह है, आसपास में क्या है, रहने का जगह क्या है क्या नहीं है, सब कुछ दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में, ज़्यादा टाइम ज़्यादा वक्त है नहीं हाथ में, सनसेट होने ही वाला सनसेट है। होने वाला है। तो चलिए जल्दी से बीच का सैर करते हैं। ये सब वाटर स्पोर्ट्स के बोट्स हैं, हाँ बड़ा बड़ा बोट्स है। दोस्तों देखिए, पैरासेलिंग वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कोलवा बीच में भरपूर, टूरिस्ट सीजन स्टार्ट। और ये देखिए, ये भैया थोड़ा वीडियो कर रहे हैं, देख रहे हैं, रेट्स बता रहे हैं हमारे व्यूअर्स को। ठीक है, तो दोस्तों कोलवा वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन का ये देखिए रेट्स। स्पीड बोट डॉल्फिन साइट सीइंग ट्रिप पर पर्सन 30 मिनट 500 रुपीज। अभी अभी ओ भैया, अभी इस वक्त डॉल्फिन क्या दिख सकता है? मॉर्निंग में ना, मॉर्निंग में। अच्छा, यहाँ पे जो रेट्स है ये फिक्स है कि निगोशिएबल है? थोड़ा फिक्स है, बड़ा ग्रुप होगा तो यही रेट है। स्पीड बोट पर पर्सन 300, बनाना राइड 500, रिंगो राइड 550, जेट स्की वाटर बाइक 600, बीच पैरासेलिंग 1200, विंच पैरासेलिंग 1200। यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहूंगा आपको, डीप पर पर्सन। ये डीप DEEP डीप नहीं, ये DIP डीप होने वाला था, गलती से डीप लिख दिया, स्पेलिंग मिस्टेक। लेकिन ये क्या है, पैरासेलिंग का साथ साथ आप अगर समुन्द्र में एक डीप लगाना चाहते हो तो वो भी वो करेंगे। लेकिन उसके लिए ये जो 300 आप देख रहे हो एक्स्ट्रा, 1200 डिप के लिए 300 एक्स्ट्रा, तो आपका पड़ेगा 1500। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर आपको डुबकी मारना है पानी में सेलिंग का साथ साथ, तो 300 रुपया 1200 रुपया का साथ आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। दोस्तों आपके सामने ये सब जो लड़के लोग आप देख रहे हो गले में कैमरा लटके हुए, यहाँ पे आपको इंस्टेंट फोटोग्राफी का ऑप्शन भी मिलेगा। ठीक है, ये लोग आपका फोटो खींचेंगे, फिर तुरंत प्रिंट करके आपको हाथों हाथ फोटो भी दे देंगे। कौन सा साइज दोगे? एक ही दोगे क्या? नहीं, आपको जो पोज अच्छा लगे वो लीजिए। नहीं नहीं नहीं, कितना कॉपी दोगे? एक कॉपी, एक कॉपी दोगे? पर कॉपी 50 रुपीज। पर कॉपी 50 रुपीज। सब साइज एक ही है क्या? हाँ, ये अलग है, ये 100 का है, ये 200 का। ये साइज 200 का है, ये 100 का है, और ये 50 ना? ये 50, ये 50। तो लोग है क्या, हम दोनों का फोटो ले लेते हैं। चलो लेते हैं भैया से, और अपना नाम भी बताना, हमारे YouTube चैनल वीडियो हो रहा है। ठीक है, कोई अगर यहाँ पे आया तो तुमको ढूंढेगा। मुश्ताक, आप कहाँ से हो? वहाँ से तो लगते नहीं है, बिहार से हो। दोस्तों जिस फोटोग्राफर सब लड़के घूमते रहते हैं यहाँ पे, वहाँ से एक को हम लोग बोले कि हम लोग का भी एक फोटो लो, सनसेट पीछे हो रहा था, तो हम लोग दो फोटो लिए हैं। ऐसे प्लास्टिक में रैप करके देता है, एक ये साइज का 50 रुपीज का। ऐसे हम लोग दो किए हैं, दो पोज में 200 रुपीज। वैसे डिफरेंट पोजेस में आपको बोलेगा। हाँ, आपको उसमें से स्क्रीन में से आप जो भी आपको पसंद आएगा वो आप बोलोगे, तो वो प्रिंट करके आपको देगा। हाँ, अगर आप भी कोलो आते हैं, मेमोरेबल कुछ फोटोज आपको रखना है, घर में जाके देखना है बाद में, तो जरूर खिंचवाई इन लोगों से। इन लोगों का भी थोड़ा बहुत इनकम हो जाता है। Exactly. बेचारे लोग पूरा दिन धूप में यहाँ पे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा हाथ को फॉलो कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में जैसे मैं जिस डिरेक्शन में दिखा रहा हूँ वो पूरा जा रहा है नॉर्थ की तरफ।
तो आप यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे पैदल चलते 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 आप दाबोलिम एयरपोर्ट तक पहुँच जाओगे, एयरपोर्ट का पहले जो बीच है वहाँ तक पहुँच जाओगे। और मेरा राइट हैंड को फॉलो कीजिए, मैं जिस तरफ अभी डिरेक्शन दिखा रहा हूँ ये सीधा एकदम जा रहा है साउथ एंड पॉइंट, कर्नाटका होके एकदम स्ट्रेट आपका कन्याकुमारी तक ये जा रहा है। अभी टूरिस्ट सीजन पता चल रहा है कि ये टूरिस्ट सीजन है, एकदम भर के पूरा एकदम भरा हुआ है टूरिस्ट और सनसेट हो चुका है। हाँ, सब एंजॉय भी कर रहे हैं। हाँ, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी भरपूर चल रहा है। हाँ, एकदम इससे पहले कि अंधेरा हो जाए आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूं, एकदम स्ट्रेट देखिए उस तरफ कुछ शैक्स आपको नजर आएगा, पहले और भी ज्यादा था लेकिन अभी बंद हो गया है बहुत सारा शैक्स, तो फिलहाल यहाँ पे 1, 2, 3, 4 शैक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उस साइड और 2-3 शैक्स आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक जो पॉइंट है यहाँ से थोड़ा आपको दूर पैदल जाना पड़ेगा। दोस्तों सूरज ढल चुका है, सनसेट हो चुका है, पर फिर भी अभी सभी बच्चे बड़े सब समुन्द्र का आनंद ले रहे हैं। देखिए मेरे पीछे सब बच्चे लोग खेल रहे हैं, उनके माँ बाप के साथ फैमिली लोग नहा रहे हैं, कितना अच्छा माहौल है, एकदम सब कोई एंजॉय कर रहा है। एकदम इस शाम के टाइम पे समुन्द्र का एक अलग ही मजा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। चलिए सभी लोग ऊपर आ जाइए, चलिए ऊपर आ जाइए, सब लोग ऊपर आ जाइए। हेलो मैडम, हेलो सर, प्लीज सब आ जाओ, प्लीज सर, प्लीज सर, अभी सनसेट हो चुका सर, प्लीज सनसेट के बाद आगे किसी को बैठा दे, प्लीज सब लोग ऊपर आ जाइए। हेलो बच्चों लोग ऊपर आ जाओ, चलो बच्चों लोग ऊपर आ जाओ। दोस्तों ये है शैक्स, शाम का टाइम देखिए कैसे अरेंजमेंट हो रहा है, एकदम बीच फ्रंट में बैठ के यू कैन एंजॉय द कूल ब्रीज ऑफ द सी विद अ बॉटल ऑफ बियर एंड सम स्नैक्स प्रोबेबली। ठीक है, तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा 1, 2, 3, 4 शैक्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, दूर की तरफ 1, 2, 3 वहाँ पे 3 शैक्स है, लेकिन ये मेन जो पार्किंग एरिया है वो शैक्स में जाने के लिए थोड़ा आपको पैदल जाना पड़ेगा। मेरा लेफ्ट हैंड साइड में भी 2-3 शैक्स है लेकिन वो भी थोड़ा दूरी में है, वहाँ पर जाने के लिए भी आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। दिस शैक्स आर ऑपरेशनल ओनली ड्यूरिंग द टूरिस्ट सीजन। अक्टूबर से पहले भी बेनोलिम बीच का एक वीडियो किए थे, जहाँ पर जाके देखा कि ऑलमोस्ट ऑल शैक्स आर क्लोज एक्सेप्टिंग फॉर 1 or 2। ये शैक्स ऑपरेशनल है ड्यूरिंग द टूरिस्ट सीजन और ये पूरा दिन ही खुला रहता है, यहाँ पे आप लंच वगैरह सब कर सकते हैं। ये देखिए लाइफ सेवर का गाड़ी, सब तरह का एक्टिविटीज अभी बंद हो चुका है इंक्लूडिंग स्विमिंग इन द सी, तो अभी सब लोग समुंदर से निकल के आके शैक्स की तरफ जा रहा है या बाहर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारा शॉप्स वगैरह सब कुछ है, सुविनियर्स क्लोथ दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में। दोस्तों वो मेरा उंगली बराबर देखिए, वो जो रेड कलर का एक शेड जैसा आपको दिख रहा है, उसका सामने ब्लू कलर का एक छोटा सा बिल्डिंग जैसा दिख रहा है, एक कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, वो एक्चुअली चेंजिंग का वॉशिंग रूम है। आप समुंदर से स्ट्रेट निकल के वहीं पर जाके यू कैन टेक अ बाथ एंड यू कैन चेंज योर क्लोथ्स देयर, इट हैज गॉट अ टॉयलेट कम शावर एंड एवरीथिंग, यू कैन चेंज इन देयर। ठीक है, और उसके सामने अभी अंधेरा हो गया, चिल्ड्रन रिक्रिएशनल पार्क है, बच्चे लोग का पार्क है उसके सामने, ठीक उसके बहुत सारा राइड्स वगैरह उसके अंदर है, तो अगर आप दिन का टाइम आता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने बच्चे को उस पार्क में लेके जा सकते हैं और पार्क का मजा ले सकते हैं। ये है अम्पन्ना ब्लास्ट, वो वाला नहीं है, कोला है, एक कोला दे दो हमको, तुम चॉकोबार खाओगे? चॉकोबार नहीं, हम नटी बार खाएंगे, नटी बार नहीं, नटी बार नहीं है, नहीं तो कुछ नहीं खा सकते, चॉकोबार ही दे दो, एक चॉकोबार दे दो, एक कोला, मिनी चॉकोबार। यहाँ पे आइसक्रीम का बहुत सारा स्टॉल है, आइसक्रीम पे बहुत सारा स्टॉल, बहुत सारा स्टॉल है, और एक शवरमा भी दिख रहा है यहाँ पे। भैया का स्टॉल दिखाया? हाँ भैया का स्टॉल भी दिखाया, एक भैया को भी दिखा। भाई अपना नाम बताओ, आप तो गोवा से हो नहीं, कहाँ से हो? कर्नाटका से। भैया कर्नाटका से आइसक्रीम का स्टॉल लगाता है, एकदम कोलवा का एंट्री का
एकदम सामने माउथ में। हर दिन यहीं पे आप? नहीं, अलग अलग। हाँ दोस्तों, ये है पार्किंग एरिया। यहाँ पे टू व्हीलर पार्किंग, फोर व्हीलर पार्किंग सभी अवेलेबल है। यहाँ पे फ्री पार्किंग है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं चार्ज होता है, और यहाँ पे बस स्टैंड भी है। ये देखिए दोस्तों, ये है बस स्टैंड। यहाँ पे मारगांव से कोलवा बीच तक बस अवेलेबल है, आप लोग बस से भी आ सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों, कोलवा बीच का एकदम बगल में आपको ये कोलवा रेसिडेंसी मिलेगा, जो थोड़ा बजट टाइप का अकोमोडेशन अवेलेबल होता है यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि एकदम बीच का सामने रहेंगे, तो ये ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोलवा रेसिडेंसी ये गोवा टूरिज्म का है, तो जाहिर है कि दूसरा सब होटल से थोड़ा सस्ता होगा। एकदम बीच का सामने ये इसका एंट्रेंस है, और सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, आपको दिखाएंगे। तो अगर आपको थोड़ा बजट में रहना है, तो आप ये ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग घर की तरफ वापस जर्नी स्टार्ट किया है कोलवा बीच से। जाते जाते आपको नज़ारे दिखाएंगे, काजू का दुकान, होलसेल रिटेल, काजू यहाँ से आप ले सकते हैं। हॉट एंड स्पाइस किचन रेस्टोरेंट है, बहुत सारा रेस्टोरेंट है दोस्तों यहाँ पर। खाने पीने का कोई प्रॉब्लम है नहीं, रेस्टोरेंट भरा हुआ है। ये कृष्णा सी ऑन होटल, कृष्णा सियोन होटल, प्योर वेज दिखा रहा है। हाँ, प्योर वेज रेस्टोरेंट है, ठीक है। और उस तरफ देखिए, उस तरफ भी छोटा मोटा खाने का स्टॉल्स, जहाँ पर मान लीजिए रॉस ऑमलेट, भाजी, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफी, ये सब भी आपको मिलेगा। बीच में जैसे दिखाया एक वॉशरूम, चेंजिंग रूम आपको दिखाया, यहाँ पर भी और एक है, आपको दिखाता हूँ ये वाला पब्लिक यूटिलिटीज एंड चेंजिंग रूम। और इस तरफ है टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर। अगर आपको याद होगा, हम लोग का बेनोलिम बीच का वीडियो अगर आप देखे होंगे, तो आपको वहाँ पर भी ये फैसिलिटीज हम लोगों ने दिखाया था। और ये साइड में सामने में पार्किंग है, और छोटा छोटा नारियल पानी का स्टॉल, चाय, कॉफी, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का स्टॉल्स भी लगा हुआ है। लैक्टेंसिया फैमिली रेस्टोरेंट एंड बार देखिए, और सामने में टोपी वगैरह, सुवेनियर्स, कपड़ा, बैग्स, सब कुछ आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे और एक प्योर वेज रेस्टोरेंट दिखने को मिल रहा है, सागर किनारा। यहाँ पे और एक है द रेड जिंजर करते, ये चाइनीज फूड का रेस्टोरेंट है। आप चाहे तो टैटूस वगैरह भी यहाँ पे करवा सकते हैं। इनफैक्ट मैंने और विशाखा ने जब हम लोग पहले आए थे, तब टैटू हम कोलवा से किए थे, योगी स्टैटू सेंटर। यहाँ पे भी बहुत सारा कपड़ा मिल रहा है, बिकिनी मिल रहा है, बीच वेयर मिल रहा है, स्विम सूट मिल रहा है, थॉन्ग्स मिल रहा है, चप्पल, सनग्लासेस, डार्क ग्लासेस। प्राइया द कोलवा किचन एंड बार रेस्टोरेंट बहुत ही हैपनिंग जगह है। जो लोग सोचते हैं कि नॉट ज्यादा हैपनिंग है, उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि साउथ भी इक्वली हैपनिंग है। हाँ, नॉर्थ में शोरगोल कुछ ज्यादा होता है, साउथ में उतना नॉइजी नहीं है। साउथ थोड़ा क्वाइट है कंपेयर टू नॉर्थ। गेस्ट हाउसेस, हॉलीडे होम्स, आपका होम स्टेज, होटेल्स, सब भरा हुआ है यहाँ पे। ये एकदम मेन रोड है कोलवा बीच, कोलवा बीच का मेन रोड यही है। यहाँ पे बहुत सारा ऐसे दुकान है जहाँ पे छोटे छोटे बैग्स वगैरह सब मिल रहा है, ड्रीम कैचर्स। दोस्तों, कोलवा बीच का करीब 200 मीटर की दूरी पे सुंदर सा ये चर्च है, आवर लेडी ऑफ फ्रांसिस चर्च, जो कि बहुत ही सुंदर है, सफेद कलर का, व्हाइट कलर चर्च है।
जब हम लोग यहीं से जा रहे थे तो यहाँ पर एक वेडिंग चल रहा था, ये कोलवा का एकदम नजदीक पड़ता है। तो दोस्तों, कोलवा बीच का ये इंटरेस्टिंग वीडियो का साथ आज का ये जर्नी का सिलसिला यहीं पे होता है ख़त्म। मिलेंगे अगला और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो में। लेकिन गुड बाय कहने से पहले और एक चीज़, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय।